हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पे जीके से रिलेटेड न्यूज़, करंट अफेयर्स, साइंस, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ। नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर वन, भारत में 1 अप्रैल को कौन सा उत्सर्जन मानक लागू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BS6। फ्रेंड्स, मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ। भारत में उत्सर्जन मानक सन 2000 में लागू हुआ था। फ्रेंड्स, ये वाहनों से होने वाले एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए लागू किया जाता है। अभी तक भारत में BS4 उत्सर्जन मानक लागू था। क्वेश्चन नंबर टू, भारत सरकार की नई स्वास्थ्य नीति में किस वर्ष तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 2025। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया है, अब ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 2021 में अब ओलंपिक होंगे। इस बार ओलंपिक 2020 जुलाई में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिए हैं। तो अब की बार इस बार ये 2021 जुलाई में जापान टोक्यो में होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी कर दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 202 रुपये। क्वेश्चन नंबर फाइव, तेजस लड़ाकू विमान का डेसिंग किसने तैयार किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है DRDO ने। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वीडियो के एंड में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स ने हाल ही में किस पद से इस्तीफा दिया है? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने किसने शुरू करी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर आठ, हाल ही में किस देश की मिसाइल बाबर 2 का परीक्षण असफल रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पाकिस्तान को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने COVID-19 की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एप्पल। एप्पल ने हाल ही में COVID-19 की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया है, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड सभी जानकारी अभी यूजर्स तक पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी परीक्षण करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थ पावर का थीम निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है जलवायु परिवर्तन एंड सतत विकास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 12, 5 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से है? फ्रेंड्स, मारिया शारापोवा है जो रूस की खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इस्तीफा देने वाले महाथिर मोहम्मद किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है मालदीव। महाथिर मोहम्मद मालदीव के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अभी ये अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है शार्दुल ठाकुर को टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है लग्जमबर्ग, दुनिया का मुफ्त परिवहन प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि इसका आंसर भारत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3 महीने के लिए महिलाओं के लिए परिवहन फ्री किया था, तो ऑप्शन में कुछ बंदे भारत पे क्लिक कर देते हैं। तो इसका आंसर भारत नहीं है, इसका आंसर लग्जमबर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है जो डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी करता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हम सफर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, फिर भी मैंने आपको बताया है, इसका सही आंसर है अजय भूषण पांडे। क्वेश्चन नंबर 18, कोरोना वायरस के लिए पंजाब सरकार के द्वारा चलाई गई ऐप का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कोवा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 19, सिप्री द्वारा किस देश को सबसे बड़े दूसरे हथियार आयातक के रूप में स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भारत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, किस टीम ने 2020 महिला T20 विश्व कप जीता है? तो
इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में महिला T20 विश्व कप जीता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मैच में खेलने वाली टीम थी इंडिया। भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मैच खेल रहा था लेकिन नहीं जीत पाए। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 21, जयराम कुलकर्णी जिनका निधन हो गया है वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? फ्रेंड्स, जयराम कुलकर्णी अभिनय क्षेत्र से संबंधित थे, यानी एक्टिंग से वो संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22, जम्मू और कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है हृदेश कुमार को। हृदेश कुमार को जम्मू एंड कश्मीर का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, COVID-19 को ट्रैक करने के लिए किसने वेबसाइट लॉन्च की है? इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी तेल कंपनी देश भर में BS6 ईंधन की पूर्ति करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस फाउंडेशन ने भारत का पहला अस्पताल स्थापित किया है जो विशेष रूप से कोरोना वायरस के रोगियों के उपचार हेतु कार्य करेगा? तो फ्रेंड, उसका सही आंसर है रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था, वीडियो के एंड में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ये है क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। सतगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेंकर ने किसकी जीवनी लिखी है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। GK और करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की कुछ खास जानकारी के साथ। जय हिंद।